वाई डजन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिड को वाटर के साथ मिक्स करके अगर सॉल्यूशन बनाया जाए उसे कहेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें चल सकती है, फ्लो कर सकती है। तो क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमने HCl में वाटर ऐड कर दिया या वाटर में HCl को ऐड कर दिया तो उसमें आ जाएंगे H आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो जो H आयन है, हाइड्रोजन आयन है, उसमें क्या है, आयन प्रेजेंट है। वाटर में मिक्स करने के बाद आयन प्रेजेंट है, और आयन ही क्या है, चार्ज्ड है, चार्ज्ड आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आयन प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऐसे आयन प्रेजेंट हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और आयन ही क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, तो दे कैन कैरी करंट ऑल्सो। तो डिस्टिल वाटर लीकिंग आयन, डिस्टिल वाटर लैकिंग द आयंस एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर में क्या है, आयंस कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता। बट एसिड्स जो हैं, एसिड को अगर वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है इसमें बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो ये जो फ्रीली मूव करने वाले आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है?